हेलो, सेल्फ सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। आज हम बात करेगा एलडीओ के बारे में। एलडीओ मोबाइल सर्किट में किधर यूज़ करते हो, क्या है इसका काम, इसके बारे में पूरा ये वीडियो में आपको बताने वाला है। इससे पहले आपको एक बात बोलेगा, हमारा प्लेलिस्ट में, हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा वीडियो एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में मैं बना के रखा हुआ। आप लोग हो सकते तो पूरा वो वीडियो देखो। चलो वीडियो में जाएगा। आज हम बात करेगा एलडीओ के बारे में। एलडीओ का फुल फॉर्म यही होता है, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट। मतलब मैं बोलेगा क्या है, एलडीओ आईसी में चार लेग होते हैं। ये एलडीओ क्या है, ये हमेशा यूज़ करते हो, वोल्टेज कम करने के लिए यूज़ करता है। इसमें पहले वाला पिन, इसमें 3.7 वोल्ट से कोई भी नीचे कोई भी वोल्टेज हो सकते हो। जो वीबर से होएगा तो 3.7 से 4.2 तक कोई भी वोल्टेज आ सकते हैं। अगर पावर आईसी से भी आ सकते हो इसका वोल्टेज, कोई कोई मोबाइल में पावर आईसी से आ रहे हो, पावर आईसी से भी आ सकते हो। इसके लिए इधर एक होएगा कैपेसिटर होएगा जो फिल्टर के लिए, इसका जो ये साइड नेगेटिव होएगा, ग्राउंड होएगा। इसका ये वाला पिन होएगा, इसका आउटपुट होएगा। मतलब ये सोचो इधर 2.8 वोल्टेज आ रहे हो, इधर भी एक कैपेसिटर होएगा वो भी फिल्टर करने के लिए। इधर भी वोल्टेज है तो फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर भी हो सकते हो। इधर का एक साइड भी नेगेटिव होएगा। ये लाइन सीधा एक रेसिस्टर का माध्यम से सीपीयू से जोड़ा हुआ। अभी इधर से एक ईएन सिग्नल आएगा। ईएन सिग्नल मतलब एनेबल, ये सीपीयू से ये आईसी एलडीओ एनेबल करने के लिए एक सिग्नल आएगा। ये सिग्नल का वोल्टेज हमेशा होते हो 1.2 से 2.2 तक कोई भी वोल्टेज आ सकते हैं। इधर ये एनेबल सिग्नल आएगा उसी टाइम इधर से 2.8 वोल्टेज प्रोड्यूस करने का। ये तो पिन नेगेटिव है। ये एलडीओ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ऐसा वाला सर्क्यूट यूज़ कर रहे हो, कैमरा का सेक्शन में होएगा, जो कैमरा काम करने के लिए वो सेक्शन में हो सकते हो। फिर टच का सेक्शन में होएगा। अगर दूसरा जो आ रहे हो एलसीडी का सेक्शन में भी आएगा। क्यों आज मैं ये वीडियो बना रहे हो मालूम है, कोई एक बंदा मेरे को पूछा एलसीडी का पूरा एलसीडी लाइट का वोल्टेज सब ठीक है, स्विचिंग वोल्ट भी ठीक है, सब कुछ ओके है, एलसीडी नहीं आ रहे हो। मतलब ऐसा वाला केस में एलडीओ ज़रूर चेक करने का। एलडीओ में कुछ पानी गिरा हुआ ऐसा कुछ है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो पहले वाला प्रॉब्लम, इसके अंदर पानी आएगा, ये तो पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर आपस में ये अंदर से शॉर्ट होएगा, ये तो नेगेटिव है, शॉर्ट होएगा तो कभी कभी हो सकते हो मोबाइल नहीं चालू हो सकते हो, कभी हो सकते हो ये कोई भी इसमें से कोई भी एक टच नहीं काम करेगा। अगर एलसीडी नहीं काम करेगा
कैमरा नहीं काम करेगा। ये पूरा एक मोबाइल में एक सर्किट नहीं है, ये कैमरा के लिए अलग एक एलडीओ का सर्किट बना हुआ, टच के लिए बना हुआ, एलसीडी के लिए भी बना हुआ। कभी भी ऐसा वाला प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग ये ज़रूर चेक करने का। फिर और एक बात है इसमें, इसमें इधर ये पानी इसके अंदर पानी गिराएगा, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हो, ये भी शॉर्ट हो सकते हो। अगर ऐसा शॉर्ट होएगा तो भी मोबाइल चालू नहीं होने का चांस है। आप लोग ये चेक करने का इधर वोल्टेज आ रहे हो नहीं है, ये चेक करने का आ रहे तो इसका आउटपुट वोल्टेज आ रहे हो, वही चेक करने का। फिर इसके अंदर शॉर्टिंग है, ये एन सिग्नल आ रहे हो, ये पूरा चेक करने का। इसमें कभी कभी खराब मिल रहे हो। एलडीओ के बारे में दूसरा एक वीडियो भी है, ये पार्ट वन वीडियो है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके मैं जल्दी आएगा। सबके लिए गुड बाय।